Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Today I am going to teach you workbook of English grade 4. First of all, we have to get planner. We have to mention date end and last block of week 4. Next week 5 full blocks and remaining blocks of week 6. Now you have to go at novel. Open the novel and go at page number 5, mention it and they here. Second chapter, The Pool of Tears. Aansuon ka talab, theek hai? Alice cries again. Alice jo dobara rona start kar deti hai. This feels very strange. Ye bahut ajeeb lag raha hai. Ab wo keh rahi hai, theek hai? Said Alice. Alice ne kaha, no, I'm getting bigger again. Ab wo Alice ne kuch feel liya tha, previous chapter mein hum logon ne padha tha. तो अब वो एलिस बड़ी होना शुरू हो गई है. पहले एलिस से स्मॉल होना स्टार्ट कर दी, बट नाउ शी इज गोइंग टू बिगर. शी लुक डाउन एट हर फीट. उसने अपने पाओं की तरफ देखा. दे वर वेरी वर फॉर अवे. उससे वो बहुत दूर थी. मीन्स कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसके पाँव उससे दूर हो चुके थे. जस्ट देन हर हेड हिट द रूफ ऑफ द हॉल. अब उसका एकदम से उसका सर जाके लगता है छत के, छत से हॉल का जो छत था उसके साथ. शी वॉज रूफ मीन छत. शी वॉज नाउ मोर देन 9 फीट हाई. अब वो 9 फुट से भी ज्यादा ऊंची हो गई है. शी कुड गेट द की इजिली. अब वो आसानी से की उठा सकती है. शी पिक्ड इट अप एंड रन अप टू द गार्डन डोर. अब उसने की को उठाया और गार्डन डोर की तरफ गई, ठीक है, जिस गार्डन के अंदर वो जाने की कोशिश कर रही थी. बट ऑफकोर्स द टनल वॉज मच मच टू स्मॉल. ठीक है, अब वो लेकिन हमें पता है कि टनल बहुत स्मॉल थी, ठीक है, अब उसके अंदर कैसे जा सकती है कि 9 फीट से भी हाई है. पुअर एलिस. शी वुड नेवर बी एबल टू गेट इन टू द लवली गार्डन. शी सैट डाउन एंड बिगेन टू क्राई अगेन. बेचारी एलिस तो कभी भी गार्डन के अंदर नहीं जा सकती. वो सोच रही है इस बारे में और वो रोना शुरू हो गई है. नेक्स्ट वन. व्हाट अ सिली गर्ल. क्या सिली गर्ल हो. She said to herself. अपने आप से कहती है क्या तुम बेचारी लड़की बनी हुई हो टू क्राई लाइक दिस. ऐसे रोने में. अब वो एलिस रो रही है, अपने आप को खुद ही चुप करवा रही है. कहती है क्या अजीब सी बेचारी सी लड़की बन के रो रही हो. स्टॉप एट वंस. एकदम से खामोश हो जाओ. आई टेल यू. अब वो खुद को कह रही है कि एकदम से खामोश हो जाओ. बट शी वेंट ऑन क्राइंग. लेकिन वो रोती ही. द टीयर्स फ्रॉम हर आईज मेड अ बिग पूल एट अराउंड हर. ठीक है, अब वो रो रही थी क्योंकि 9 फीट से भी हाई है और उसी हिसाब से इसकी टीयर्स भी हैं. उसी हिसाब से ये रो रही और आंसुओं ने उसके तालाब बना दिया एक छोटा सा. इट वॉज 4 इंच डीप एंड वन राइट डाउन द हॉल. और ये 4 इंच तक ऊंचा था और हॉल की तरफ जा रहा था. अ शॉर्ट टाइम लेटर शी हेयर्ड द साउंड ऑफ समवन वॉकिंग. क्विकली शी ड्राइड हर आईज. इट वॉज द वाइट रैबिट. ही हैड 2 ब्यूटिफुल वाइट ग्लव्स इन वन हैंड एंड अ लार्ज फैन इन द अदर. ठीक है, वो रो रही और एकदम से उसने आवाज सुनी किसी के कदमों के चलने की और अब वो देखती है कि एक वाइट रैबिट आता है. उसके हाथ में एक बिग फैन था एक हाथ में, ठीक है, और दूसरे हाथ में देख लें इस पिक्चर को, लोग इस पिक्चर और दूसरे हाथ में इसके वाइट ग्लव्स हैं. ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ द डचेस विल बी एंग्री इट इफ आई कीप हर वेटिंग. ओ द डचेस द डचेस. अब वो क्या कह रहा है कि डचेस एंग्री होगी अगर मैं लेट पहुंचा तो. मैं उसका इंतजार नहीं करवा सकता. नाउ यू हैव टू पेज मूव ऑन पेज नंबर 6. By now Alice was getting tired of sitting on the floor. अब Alice थक चुकी है उस पर फ्लोर के ऊपर बैठ बैठ के. When the white rabbit came near her, वह वाइट रैबिट के पास आता है. Alice decided to ask him for help. Alice उसके पास decide करती है कि उसके उससे help कब बोलेगी. She said in a quiet shy voice. The white rabbit saw Alice. He was so frightened that he could dropped his fan and his gloves. Then he ran away down the hall as fast as he could. ठीक है, अब वो एलिस उससे कहती है कि मैं उसको हेल्प कब बोलती हूँ. उससे जाके वाइट रैबिट के पास जाके उसको हेल्प कब बोलती है. बट वाइट रैबिट उसको देख के ही डर जाता है और अपनी ग्लव्स को और फैन को वहीं पे फेंक के भाग जाता है. इन टू द गार्डन. अब एलिस गार्डन के अंदर इंटर हो रही है. एलिस पिक्ड अप द फैन. शी बिगेन फैनिंग हरसेल्फ बिकॉज द हॉल वॉज वेरी हॉट. ऑल द टाइम शी केप्ट सेइंग टू हरसेल्फ वेल वेल हाउ स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे. डिड इट आई चेंज इन द नाइट. वॉज आई द सेम व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग. इफ आई एम नॉट द सेम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एम आई. अब एलिस कीप सेइंग के आज सुबह से अजीब चीजें हो रही है या फिर रात तुम्हें चेंज हो गई थी.
या फिर सुबह को हुई, अगर नहीं हुई थी चेंज तो फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कौन हूँ? देन जस्ट शी लुक्ड डाउन एट हर हैंड्स, वो अपने हाथों की तरफ देखती है. शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी हैड पुट ऑन द वन ऑफ द वाइट रैबिट्स वाइट ग्लव व्हाइल शी वॉज टकिंग. हाउ कैन आई हैव डन दैट, शी थॉट. आई मस्ट बी ग्रोइंग स्मॉल अगेन. देन शी गोट अप एंड went to the table. She found that she was now about 2 feet high and getting smaller and smaller very quickly. ठीक है, वो अपने खुद से बातें करती रहती है और एकदम से सरप्राइज रह जाती है जब उसको याद आता है, उसका ध्यान जाता है उस तरफ कि उसने व्हाइट रैबिट के ग्लव एक हाथ में पकड़ा हुआ है. एकदम से उसको पता चलता है कि अब उसकी हाइट कम होना शुरू हो गई, एकदम से बहुत कम हाइट होगी उसकी. नो आई एम स्मॉलर देन आई वॉज बिफोर. नो नो And now for the garden, said Alice. Quickly she ran to the table door, little door, but it was locked. She looked for the little garden key. She did not have it. It was lying on top of the table again. ठीक है, अब वो खुश होती है थोड़ा सा कि अब मैं गार्डन के अंदर जा सकती हूँ. वो भागती हुई टेबल तक जाती है की उठाने के लिए, बट नाउ शी इज स्मॉल अगेन. वो दोबारा फिर छोटी होगी और वो की नहीं उठा सकती. नाउ आई एम स्मॉलर देन आई वाज बिफोर, सेड एलिस. एज शी सेड दिस शी फेल इन द सॉल्ट वाटर दैट केम राइट अप टू हर नेक. ठीक है, अब वो सोच रही थी, कहती है मैं गार्डन के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मैं पहले जितनी छोटी हो गई हुई हूँ. तो वो फिर परेशान होती है और एकदम से उसका पाँव स्लिप होता है, वो गिर जाती है सॉल्टी वाटर के अंदर, नमकीन पानी के अंदर गिरती है जो उसकी गर्दन से आ रहा होता है. एलिस थॉट दैट शी हैड फॉलन इनटू द सी, बट देन शी रिमेम्बर्ड व्हेन शी वाज इन 9 feet हाई शी हैड बीन क्राइंग, नाउ शी वाज स्विमिंग इन अ पूल ऑफ टीयर्स. ठीक है, अब एलिस सोचती है कि वो सी के अंदर गिर गई. फिर उसको याद आता है कि नहीं, जब वो 9 feet हाई थी तो उसने वो जब रोई थी तब उसके साथ क्या हुआ था कि वो उसके आंसू बहना शुरू हो गए थे और अपने आंसुओं के अंदर गिर गई है, पूल ऑफ टीयर्स. ठीक है, पूल ऑफ टीयर्स के अंदर गिर गई है. आई विश आई डोंट क्राइड सो मच, सैड एलिस. शी वाज स्विम अराउंड जस्ट एंड शी हियर समथिंग स्विमिंग इन द वाटर. इट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. एट फर्स्ट शी थॉट दैट शी थॉट इट मस्ट बी एन एलिफेंट, बट इट वाज ओनली अ माउस. इट हैड फॉलन इनटू द पूल ऑफ टीयर्स टू. ठीक है, अब एलिस खुद से बातें कर रही होती है, रो रही होती है, एकदम से उसकी आवाज आती है पानी के अंदर तैरने की. वो समझती है कोई एलिफेंट आ गया, बट वो देखती है तो वो माउस होता है, वो भी पूल ऑफ टीयर्स के अंदर गिर जाता है. शैल आई स्पीक टू दैट माउस, एलिस टॉक टू हरसेल्फ. ओ माउस, शी बिगन, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल? आई एम वेरी ट्राइड टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड हेयर. ठीक है, वो माउस से कहती है, पहले सोचती है मैं माउस से बात करूँ या ना करूँ, फिर कहती है कर लेती हूँ. अब वो माउस से बात करती है तो उससे कहती है कि पूल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है. तो मैं उस स्टूडेंट से एनीथिंग, माउस कुछ भी नहीं कहता, जरा भी नहीं बोलता. परहैप्स इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश. अब वो सोचती है क्या पता इस माउस को इंग्लिश ही ना आती हो. टॉट एलिस, एलिस ने सोचा परहैप्स इट इज अ फ्रेंच माउस, हो सकता है ये फ्रेंच माउस है. द माउस स्टूडेंट सॉरी एलिस ओनली न्यू वन वर्ड इन फ्रेंच, इट वॉज द वर्ड फॉर कैट. शी ट्राइड saying that. ठीक है, एलिस को सिर्फ फ्रेंच वर्ड में एक ही वर्ड आता था जो कैट के लिए यूज होता था. When she said this, the mouse was very frightened. माउस डर गया एकदम से. It jumped right out of the water. Oh, I am sorry, said Alice in English. I forget that you do not like cats. ठीक है, अब वो एकदम से डर के पूल से बाहर निकलता है. एलिस कहती सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको बिल्लियों से डर लगता है, मैं भूल गई थी. वुड यू लाइक कैट्स इफ यू वर अ माउस, रिप्लाइड द माउस. आई स्पोक इन इट स्पोक इन इंग्लिश टू. ठीक है, माउस उसे पूछता है अगर आप बिल्ली हो माउस होती तो क्या आप तब भी माउस को लाइक करती? वो इंग्लिश में बात कर रहा है. ठीक है, माउस को भी इंग्लिश आती है. वेल परहैप्स नॉट, सैड एलिस. एलिस ने कहा नहीं, बट डोंट बी एंग्री. आई विश आई कुड शो यू our cat. I think you would like her. Her name is Dina. She's अब एलिस उसको बता माउस को बता रही होती है अपनी कैट के बारे में कि मेरी कैट बहुत अच्छी है, वो माइस को एकदम से पकड़ सकती है. बता रही और माउस एकदम से फिर डर जाता है. उसको एलिस फिर सॉरी बोलती, कहती है हम इसके बारे में बात नहीं करती. देन एलिस उसको अपने डॉग के बारे में बताने लगी. नाउ वी वुडंट सेड माउस, इट वॉज सो फ्राइटेंड दैट इट वॉज शेकिंग राइट डाउन टू द एंड ऑफ इट्स टेल. अब वो इतना डर गया था कि अपनी एंड से जो टेल से हिलना शुरू हो गया. आवर फैमिली ऑलवेज हेटेड कैट्स, प्लीज डोंट लेट मी हियर द नेम कैट अगेन. अब वो कहता है कि हमारी जो फैमिली है उनको कैट से हेट है, नफरत है बिल्लियों से. अब दोबारा इसका नाम नहीं लेना क्योंकि अब दोबारा से वो फिर डर चुका है माउस. स्ट्रेंज एनिमल्स, ओह नो आई वुडंट सेड, एलिस ने कहा, बिकॉज नाउ शी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स. डू यू लाइक डॉग्स?
अब कहती है हम इसके बारे में बात नहीं करते, कहती है कि आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं। नाउ यू हैव टू मूव ऑन बुक पेज नंबर 8। माउस डिड नॉट आंसर, माउस ने इसका जवाब नहीं दिया। बट एलिस वेंट ऑन, एलिस लेकिन फिर भी जाती है बात करने लगी है। देर इज अ वेरी नाइस लिटिल डॉग नियर अवर हाउस, ही हैज बिग ब्राउन आईज, ही इट इफ यू थ्रो थिंग्स टू हिम ही पिक्स देम अप एंड ब्रिंग्स देम बैक टू यू, ही बिलोंग्स टू अ फार्मर, द फार्मर सेज ही इज वेरी यूजफुल, ही किल्स अ माउस, ही किल्स अ रैट, रैट्स एंड ओ डियर सेड एलिस। ठीक है, अब अब जो होता है ना माउस को कुछ नहीं बोलता, लेकिन एलिस को बताना शुरू हो जाती है कि हमारे नेबर्स में एक डॉग रहता है बहुत अच्छा है, यूजफुल है, वो एक फार्मर का डॉक्टर, और फार्मर कहता है कि बहुत यूजफुल है, और फिर बताती है कहती है इतना अच्छा है कि वो माउस पकड़ता है, चूहे पकड़ता है। वो अब जो माउस फिर परेशान हो जाता है, एलिस फिर कहती है ओ सॉरी, ठीक है ओ डियर सॉरी, अब वो फिर परेशान हो जाता माउस। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन देर हो गई थी, माउस वॉज स्विमिंग अवे फ्रॉम हर एज फास्ट एज इट कुड। अब वो देर हो चुकी थी, माउस जो है पूल के अंदर से फिर छलांग लगाई और वो स्विम करना शुरू हो सकता है और दूर जाने की कोशिश करता है एलिस के, जितना जल्दी दूर हो सके उसे चला जाए। शी कॉल्ड सॉफ्टली आफ्टर इट, माउस डू यू कम बैक अगेन, वी वुडंट टॉक अबाउट कैट्स और डॉग्स इफ यू डोंट लाइक देम। व्हेन द माउस हर्ड दिस इट स्विम स्लोली बैक टू हर, इट्स फेस वॉज क्वाइट वाइट, इन अ लो क्वाइट वॉइस इट सेड लेट अस स्विम टू द लैंड। ठीक है, उसको दोबारा बुलाती है, कहती है कि हम कैट एंड माउस के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर आपने बात हम कोई और बात करेंगे। ठीक है, अब माउस दोबारा उसके पास तैरता हुआ आ जाता है, अब कहता है कि एलिस कहती है दोबारा खुश लैंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, डेट इज अ गुड आइडिया टॉट एलिस, द पूल वॉज गेटिंग क्राउडेड, फोर बर्ड्स अ डक, डोडो अ पैरट एंड अ स्मॉल ईगल वर स्विमिंग क्लोज टू हर, देर वॉज सम अदर स्ट्रेंज एनिमल्स नियर हर टू, एलिस वेंट फर्स्ट एनिमल स्विम आफ्टर हर अंटिल दे ऑल गो टू ड्राई लैंड। अब हमने स्विमिंग स्टार्ट की तो देखती है कि वहां पे और भी एनिमल्स थे, वहां पे एक पैरट था, डोडो था, और भी बर्ड्स वगैरह थे, और कुछ स्ट्रेंज बर्ड्स भी थे। सबसे पहले एलिस ने स्विम करना स्टार्ट किया, देन बाकी ने एनिमल्स ने उसको फॉलो किया। नाउ मूव टू पेज नंबर 9, चैप्टर 3, कर्कस रेस। ठीक है, मेंशन इट इन द हियर द डोडोज आइडिया। अब डोडो आइडिया देता है, ठीक है, इसमें किस चीज के बारे में आइडिया दे रहा है डोडो। The animals sitting on dry land looked very funny. जो animals जो वहां पे dry land पे बैठे थे बहुत funny लग रहे थे वहां पे। They were all very wet, सब गीले हुए थे, गीले हो गए हुए थे सारे, स्विम करके आए हुए थे ना। First they had to dry. Again, everybody talked about what they should do. After a few minutes, Alice was talking to everybody just as if they were old friends. She even had a long argument with the parrot. He became quite angry. He said to Alice, I am older than you and so I must know more than you. Well, how old are you? Asked Alice, but the parrot would not tell her. Then the dodo said, a carcass race would get us dry. What is a carcass race? Focus, said Alice. She did not really want to know, but she thought it would be polite to ask. Well, said the dodo, the best way to explain it is to do it. ठीक है, वो सारे गीले हो चुके हैं और अब अपने उनको समझ नहीं आ रही अपने आप को ड्राई कैसे करें। ठीक है, और अब एलिस थोड़ी देर के बाद उन सबसे बातें करना शुरू हो जाती है और उनसे इस तरह घुल मिल गई है जैसे उन्हीं से बचपन से वो लोग दोस्त होते हैं। और उसके साथ उसकी पैरट के साथ लड़ाई भी हुई, एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ उसके साथ, तो और वो पैरट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, बड़ा हूँ। ठीक है, ओल्ड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। वो एलिस उसे पूछती कितने बड़े हो, बट उसको जो पैरट रिप्लाई नहीं करता। अब डोडो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है खुद को ड्राई करने का, सिर्फ कॉकस रेस ही हमें ड्राई कर सकती है। ठीक है, एलिस पूछती है कि कॉकस रेस होती क्या है, हालांकि वो जानना नहीं चाहती होती, लेकिन वो कहती है कि अच्छा तरीका ये है कि आप पोलाइट हो और उससे बात करो। ठीक है, अब वो डोडो क्या रिप्लाई देता है, द बेस्ट आंसर, उसने आंसर बहुत अच्छा है, द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट इज टू डू इट। अब वो कहता है डोडो, एक्सप्लेन करने का अच्छा तरीका यही है कि शुरू कर देते हैं। ठीक है, द रेस फर्स्ट डोडो मार्क्ड आउट अ वेरी बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड, देन एवरीबॉडी हैड टू स्टैंड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल, नोबॉडी कॉल्ड आउट 1, 2, 3 गो, यू कुड स्टार्ट रनिंग व्हेन यू वांटेड, यू कुड रन एनीवेयर यू लाइक्ड, व्हेन यू फेल्ट tired you could stop. It was not easy to know when the race began or when it
फिनिश्ड. ठीक है, अब वो क्या होता है, डोडो एक सर्कल बनाते हैं कुछ जगह के ऊपर और वहां पे खड़ा होता है, और वहां पे खड़ा तो कहता है कि यहाँ पे सब जो होते हैं एनिमल्स वहां पे उसके सर्कल के गिर्द खड़े हैं, और उनसे कहता है कि आप किसी वक्त भी कहीं से भी भाग सकते हो जहाँ पे आप, और कोई भी 1 2 3 नहीं बोलेगा. जैसे रेस स्टार्ट होती है तो 1 2 3 बोला जाता है, तो वो ऐसे कोई नहीं स्टार्ट करेगा, जो जिस वक्त चाहे जहां से चाहे भाग सकता है, और जब थक गया तो वह रुक सकता है. कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कि रेस कब स्टार्ट हुई और कब फिनिश हुई. नाउ यू हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 10. यहाँ पेज नंबर 10 पे हमें पिक्चर नजर आ रही है कि डोडो ने एक सर्कल बनाया और सर्कल के सेंटर में खड़ा और बाकी सारे एनिमल्स के बाहर खड़े हुए हैं. आफ्टर हाफ एन आवर एवरीबॉडी वाज ड्राई अगेन, द डोडो कॉल्ड आउट द रेस इज ओवर, ऑल द एनिमल्स सैट डाउन. Someone asked who has won. ठीक है, अब आधे घंटे के बाद वो क्या होता है कि डोडो कहता है कि अब सब ड्राई हो चुके हैं, डोडो कहता है कि रेस अब खत्म हो चुकी है, सब एनिमल्स को कहता है कि बैठ जाओ, बैठ जाएं. अब एक एनिमल से पूछता है कि कौन विनर है. द डोडो थॉट केयरफुली, ही सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद हिज हैंड ऑन हिज हैड. एवरीबॉडी वेटेड silently. At last the Dodo said, everybody has won and everybody must have a prize. ठीक है, अब वो डोडो काफी देर सोचता रहता, सब जो एनिमल उसको खामोशी से देखते रहते हैं, और फिर एकदम से डोडो कहता है कि एवरीबॉडी हैज वॉन, हर जो आदमी है, हर जो एनिमल है इस रेस के अंदर वो जीत गया है, एंड एवरीबॉडी मस्ट हैव अ प्राइज, और सबको प्राइज भी मिलना चाहिए. बट हु इज टू गिव द प्राइज, एवरीबॉडी आस्क्ड. Well, she is, of course, said the Dodo, pointing to Alice with one finger. Everybody crowded around her, calling prizes, prizes. अब वो डोडो कहता है कि ये देगी, अब पूछता है एक एनिमल के कौन प्राइज देगा, तो डोडो कहता है कि ये देगी, एलिस की तरफ पॉइंट करता है कि ये देगी. अब सारे एनिमल एलिस के पास आ गए हैं और उसके ऊंची आवाज में प्राइजेस प्राइजेस शाउट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. एलिस गेट्स अ प्राइज, एलिस डिड नॉट नो व्हाट टू डू, शी पुट हर हैंड्स इनटू हर पॉकेट्स एंड पुल्ड आउट अ बैग ऑफ स्वीट्स, शी गेव वन टू एवरीबॉडी, देयर वर जस्ट एनफ. ठीक है, अब एलिस को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, तो एलिस ने अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला, तो वहां से उसको स्वीट्स का बैग, टॉफियों का एक बैग मिला, कैंडीज का एक बैग मिला, तो उसको निकाल के सबको एक एक देती है. ठीक है, बट शी मस्ट हैव अ प्राइज टू, सेड द माउस. अब माउस कहता है कि इसको भी तो प्राइज मिलना चाहिए. ऑफकोर्स द डोडो रिप्लाइड, ही टर्न टू एलिस एंड सेड, व्हाट एल्स हैव शी गॉट इन योर पॉकेट. अब वो डोडो कहता है कि यस, इसको भी प्राइज मिलना चाहिए. अब एलिस से पूछता है क्या आपके पॉकेट में कुछ और चीज भी है. ठीक है, नाउ यू हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 11. Only a button. वो कहती है मेरे पास, मेरे उस पॉकेट में सिर्फ एक बटन ही है. Give it to me, said the Dodo. Dodo कहता है ये मुझे दे दो. Then they all crowded around her once more. The Dodo gave the button to Alice. Ladies and gentlemen, he said, I give Alice the prize for winning the circus race. Everybody was pleased and they all shouted with excitement. Alice wanted to laugh, but the animals looked very serious. She couldn't think of anything to say. She just took the button and gave a little bow. ठीक है, अब वो डोडो से बटन लेके सबको मतवजा करता है अपनी तरफ, सारे एनिमल उसके पास आके खड़े हो गए फिर सर्कल के सर्कल में, और अब डोडो कहता है कि मैं इसको कॉकस रेस पे जीतने पे एक प्राइज देता हूँ. सारा कुछ होते हैं, शाउट करते हैं. ठीक है, अब एलिस को वो बटन लेते हुए हंसी आ रही है और वो हंसना चाहती है, बट बाकी एनिमल्स को देखते हैं कि वो खामोश हैं और सीरियस हैं, तो वो कुछ नहीं कहती और हल्का सा चुकती है. जब वो गिफ्ट लेती है तो थोड़ा सा चुकती है. द बर्ड्स आर वर फाइटिंग, जो बर्ड्स हैं अब वो परेशान है. नेक्स्ट हेडिंग इज द बर्ड्स आर फाइटिंग. देन एवरीबॉडी एट द स्वीट्स, द एनिमल्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, सम थॉट शी द स्वीट्स वर टू बिग, द लार्जर एनिमल्स सेड द स्वीट्स वर सो स्मॉल दे कुडंट टेस्ट देम. ठीक है, अब वो जब स्वीट्स सब एनिमल्स टेस्ट कर लेते हैं तो वो शोर करना शुरू करते हैं. कोई कह रहा है कि जो स्वीट है वो छोटी है, कोई कह रहा है जो बड़े एनिमल्स से कहते हैं कि स्वीट छोटी है, कि हमने टेस्ट नहीं किया, छोटे कहते हैं कि ये बहुत बड़ी है. व्हेन एवरीबॉडी हैड फिनिश्ड, जब हर एनिमल ने शोर खत्म कर लिया, एलिस बिगेन टू थिंक ऑफ दीना द कैट, शी सडनली सेड, आई विश दीना वॉज हियर. ठीक है, जब सारे एनिमल्स आपस में लगे हुए होते हैं और हम उस वक्त जब बैठते हैं, तब एकदम से वो कहती है मुझे काश दीना यहाँ पे होती, और एकदम से बोलती है कि ठीक है, पहले दीना के बारे में सोचती, देन विश करती है, आई विश दीना वॉज हियर. दीना सी कैट का नाम है. एंड हु इज दीना, एज द पैरट, पैरट पूछता है कि दीना कौन है.
Dina is her cat. Alice replied. Alice jawab diya. She is very good at catching mice, and I wish you could see her chasing the birds. She can catch them and eat them very quickly. अब वो कहती है कि दीना मेरी कैट का नाम है और वो बहुत अच्छी तरह से माइस को पकड़ती है, ठीक है, चूहों को बहुत अच्छी तरह पकड़ती है, और मेरी ख्वाहिश है काश तुम उसको बर्ड्स के पीछे का पीछा करता हुआ और उन्हें पकड़ते हुए देखो, ठीक है, वो बहुत जल्दी ऐसा काम करती है. एवरी वन वेंट वेरी क्वाइट, और हर जो एनिमल था वो एकदम से खामोश हो गया. वन बाय वन द बर्ड्स हरीड अवे, सून ऑल द एनिमल्स हैड गॉन एंड एलिस वाज बाय हरसेल्फ, ठीक है, और एकदम से ना वो सब पैर जो सारे बर्ड्स वो जाना शुरू हो गया और एनिमल्स भी सारे मूव कर गए वहां से. अब वो अकेली रहेगी. आई विश आई हैडंट सेड एनीथिंग अबाउट डीना, शी सेड सैडली. Nobody seems to like her down here. I'm sure she is the best cat in the world. Then poor Alice began to cry. She felt very sad. A little while later she heard the sound of feet again. ठीक है, अब क्या होता है कि वो फिर सोचती है कि काश मैं दीना के बारे में ना बात करती और वो फिर अकेली रहेगी और इतनी देर में उसको किसकी आवाज होती, फिर कदमों की आवाज होती. Now you have to move on workbook. At page number 22, mentioned dead and day here, the pool of tears. ये हमारे जो नॉवल के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, वो हम कर रहे हैं यहाँ पे. Wishing was the white rabbit holding. White rabbit ने क्या हाथ में पकड़ा हुआ था? He had two beautiful white gloves in one hand and a large fan in the other. उसके एक हाथ में दो gloves थे white color के और दूसरे हाथ में एक fan था. Where did she swim in? वो कहाँ पे डूबी थी, कहाँ पे तैर रही थी? She swam in the pool of tears. वो आंसुओं से बना हुआ जो पूल था उसके अंदर तैर रही थी. Next match the right options A with the option B. आपने कॉलम को A से B से मिलाना है. I must be growing smaller again. इससे मैच करना है. The duchess will be angry if I keep her waiting. Number 3, did I change in the right? क्या मैं एक रात में चेंज हो गई हूँ? Number 4, Alice thought that she had fallen in the sea. The farmer says he is very useful. And now you have to move on page number 23. Mention date and day here. Unit number 3, caucus race. Caucus race. What is the caucus race? Caucus race kya hoti hai, theek hai? It is a race in which a person can run and stop whenever and wherever he wants. So, ye caucus race ek race ka naam hai, jahan pe koi bhi shakhs jab dil chahe ruk sakta hai, jab dil chahe shuru kar sakta hai. ठीक है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है. हाउ डिड इट स्टार्ट, ये कैसे स्टार्ट होती है? इट स्टार्टेड बाय मेकिंग अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड, देन एवरीबॉडी स्टूड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल एंड रन वेन एवर ही लाइक. ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होती है कि एक सर्कल जमीन पे बनाया जाता है और उसके गिर सब खड़े होते हैं और जिसका दिल करता है जहां से वो भागता है, जब दिल करता है उसको एंड कर देता है. हु गॉट द प्राइज, वो किसने प्राइज विन किया था? एवरीबॉडी गॉट द प्राइज, हर एक को प्राइज मिला था. Now fill in the blanks. Dash was the cat. Cat का नाम क्या था? Dina. Dash has won. कौन जीता था इस गेम में? Everybody. हर इंसान जीत गया था. हर एनिमल जीत गया था. The dodo called out. Dodo ने क्या कहा था? The race is over. जो रेस खत्म हो गई है. I gave Alice this prize for winning the caucus race. अब Alice को क्या कहता है कि caucus race जीतने पे वो उसको प्राइज दे रहा है. Then everybody ate the sweets. तब हर एनिमल ने क्या खाया था? स्वीट्स खाई थी, टॉफियां खाई थी. अब यू हैव टू मूव ऑन वर्क विद पेज नंबर 51. मेंशन डेट एंड डे हियर. प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल नाउन्स, सॉरी, कि कौन कौन से होते हैं. प्लूरल नाउन इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग. जो प्लूरल नाउन होता है एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है. सिंगुलर वन होता है, प्लूरल मोर देन वन होता है. ठीक है, पॉट पॉट्स, कोट कोट्स. और ये कैसे बनता है? एंड नाउन के साथ एस सी एच एस एच और एक्स एच वी एड ई एस टू मेक देम प्लूरल. जब नाउन जो एंड हो रहे होते हैं इन इन लेटर्स के ऊपर तो उनके साथ क्या लगता है? ई एल लगता है उनको प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शॉप शॉप्स, बैट बैट्स, वॉच वॉचेस, ग्लव ग्लव्स, चेल चेल्स, पेंसिल पेंसिल्स, बुश बुशेस ई एस, विश विश विशेस, ब्रांच ब्रांचेस, पीच पीचेस, मंथ मंथ्स, ड्रेस ड्रेसेस. जो इन लेटर्स पे एंड हो रहे हैं उनके साथ ईएस लग रहा है. डू यू लाइक, डू यू नो द प्लूरल ऑफ दिस? आपको इनका प्लूरल पता है? ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन. और मैन का क्या होगा? मैन. वुमेन का क्या होगा? वुमेन. चाइल्ड चिल्ड्रेन. टू मेक द प्लूरल ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन एफ,
वी यूजली चेंज द एफ इन टू वी, जो एफ के ऊपर एंड होता है हम उसको क्या किसकी साउंड देते हैं, वी की साउंड देते हैं, देन एड ई एस और उसके साथ क्या साउंड भी देते हैं, लेटर भी चेंज करते हैं उसको, क्या वो साथ एंड पे लगाते हैं ई एस, चेंज दिस इन टू प्लूरल, हाफ हाफ्स, शेल्फ शेल्फ्स, थीव थीव्स, सेल्फ सेल्फ्स, लीव लीव्स, कफ कफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, एल्फ elves. Now you have to move on workbook page number 52. Here are some words which do not take es in a plural. Ab wahan pe words aa rahe jinke end pe es nahi lete, theek hai, hoof hoof hoofs, cliff cliffs, golf golfs, chuff chuffs, sniff sniffs, chief chiefs. For some words ending on o we add es to make the plural. For some अदर वर्ड्स एंडिंग इन ओ वी एड एस टू मेक द प्लूरल, ठीक है, हम ओ भी लगा, ओ जब एंड होता है वहां पर एस भी लगाते और ई एस भी. यू विल हैव टू लर्न विच वर्ड टेक ई एस एंड विच वन टेक्स ओनली एस इन द प्लूरल. हीरो हीरोज ई एस, पियानो पियानोज एस ओनली, बेंजो बेंजोज एस, सोलो सोलोज, पोटैटो ई एस, कार्गो ई एस, टोमैटो ई एस. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म इन द गिवन गिवन कॉलम, ठीक है, आपने यहां से जो लाइन्स है इसके बीच में से अंडरलाइन करना है प्लूरल को और कॉलम के अंदर यहां पे जाकर लिखना है. शी लाइट्स अप अ कैंडल, कैंडल का क्या होगा, कैंडल्स यहां पे लिखेंगे. द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, जो बॉय है वो स्कूल जा रहा है, स्कूल का यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया सो स्कूल आएगा. और बॉय भी यहाँ पे दो नाउंस हैं, ठीक है, बॉय भी और स्कूल भी, बॉय का आएगा बॉयज और स्कूल का आएगा स्कूल. हिज टीचर कम्स डाउन, ठीक है, टीचर का क्या आएगा, टीचर्स. ही लाइज डाउन ऑन द बेड, वो बेड के ऊपर लेट है, बेड का बेड्स. अ गर्ल शाउट्स फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, गर्ल गर्ल्स. नाउ यू हैव टू मूव ऑन वर्कबुक पेज नंबर 53, जेंडर. Have you heard the words male and female? Male and female के नाम तो आप सुना होगा, familiar होंगे इन words से, ठीक है. Wise, princess, actor, lord, sons and nephews are males. और जो बाकी होते girls, princess, actress, ladies, daughters and nieces are all females. और ये सारी क्या females होती हैं, ठीक है, grouping of words gender. अब words जो है ना हम genders की grouping कर रहे हैं male और female में. All nouns जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, masculine gender. और जो ऑल फीमेल होते हैं नाम नाउंस होते हैं उनके फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. हियर आर सम नाउंस, दे आर मैच, ठीक है. बॉय गर्ल, सन डॉटर, बुल कैव, सर मैडम. हियर आर सम मोर प्लेयर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस एक्ट्रेस, ड्यूक डचेस, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, लॉयन लॉयनस, एम्परर एम्प्रेस. A lot of names in the female gender and with ESS you will have to learn the other, ठीक है. Write the feminine gender of the following. Your dictionary will help you. Bridegroom, bride, ठीक है, दुल्हा और दुल्हन. Rooster, मुर्गा. Hen, मुर्गी. Hero, heroine. Now you have to move on workbook page number 54. Stallion, mare. Peacock, peahen. Host, hostess. Fox, vixen. Gender, goose. Wizard, witch. Drake, duck. What is the name given to female gender of the following? Actor, actress. Emperor, empress. Landlord, landlady. Bull, cow. Tiger, tigress. Nephew, niece. Write the masculine feminine of the underlined words in the column. जहां पे male हैं जो underlined words हैं उनका female लिखना, जो female है उनका male लिखना है. My father taught me how to read. Father, mother. The girl is skipping the rope. Girl, boy. The waiter greeted me with a big smile. Waitress. The boys are throwing water at each other. Boys, girls. I hear stories from my grandmother, grandfather. My uncle visited Lahore last year. Uncle, aunt. The niece of my friend is a cook. Niece, nephew. You have to move on with page number 84. So you have to cut the CW from here and write here HW. So it is your homework. Paragraph writing. आपने खुद से paragraph लिखने हैं about what? My opinion, pizza and burger. इन दोनों में से आपने choose करना है कि आपका कौन सा favorite है and why. ठीक है, ये pizza है. The I like dash better than dash because. ठीक है, मैंने मेरा favorite burger है और pizza की नस्बत. ठीक है, आपने अपना लिखना, जो आपका favorite होगा उसके बारे में अपने लगन paragraph लिखने हैं. ठीक है, numbering नहीं करनी, just paragraph में लिखना है, connective sentences होने चाहिए. ठीक है, now you have to move on page number 85.
हाउ टू मेक अ चीज सैंडविच, चीज सैंडविच कैसे बनाते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे हियर. ब्रेड स्लाइसेस लिए हमने अनियन लिया और चीज, कैरेट, पोटैटोस, क्यूकम्बर्स, कैप्सिकम, टोमेटो, एग्स, पीनट बटर एंड बटर. ठीक है, अब उनके साथ प्राइसेस भी लिखी हुई, अगर आपके पास वो कुछ नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे उनके लिखी हुई आपने उनको ऐड करना है. यहाँ पे आपने ऐड करना है आपके इन चीजों की प्राइस कितनी है. ब्रेड 15 रुपीज, अनियन 5, चीज 40, कैरेट 10, पोटैटो 2, क्यूकम्बर 10, कैप्सिकम 8, टोमेटो 5, एग्स 20, पीनट बटर 200 एंड बटर 40. इनको ऐड किया तो हमारे पास रुपीज कितने आएंगे, 355. अगर आपके पास 100 रुपीज हैं तो आप कैसे उनको मैनेज करोगे. ठीक है, इट्स योर टास्क कि आपने में से किस चीज को स्किप करोगे सैंडविच बनाने के लिए. नाउ यू हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 86 डेट एंड डे हियर. अब यहाँ पे सैंडविच बनाने का प्रोसीजर आ गया कि हम सैंडविच कैसे बनाएंगे. सबसे पहले क्या आएगा, हमने इन्ग्रीडियंट्स लिखनी है. 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 टेबल स्पून बटर, 2 स्लाइस ऑफ चीज, अनियन, कुकम्बर एंड टोमेटो. Step 1. Place 2 slices of white bread on flat surface. Take butter and spread on top surface of both slices of bread. Cut the onion, cucumber and tomato. Make mixture. Unka mixture banana hai. Apply mixture on the bread. Us mixture ko bread ke upar apply karna hai. Put the slice of cheese into the bread. And put a sandwich maker, sandwich is ready. ठीक है, आपने उसके ऊपर चीज का स्लाइस रखना है और देन उसको सैंडविच मेकर के अंदर डालना है. सैंडविच इज रेडी नाउ. अब यू हैव टू मूव ऑन वर्कबुक पेज नंबर 98 कंफ्यूजन नंबर 1. मेंशन डेट एंड डे हियर. थिंग लिविंग थिंग्स ब्रीथ, हमारा टॉपिक है इसका. लिविंग थिंग ब्रीथ, जो जिंदा रहने वाले जानदार है वो सांस लेते हैं. ऑल एनिमल्स मस्ट हैव एयर टू लिव. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, वी यूज ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीदिंग. ठीक है, एयर हर जानदार के जिंदा रहने के लिए जरूरी है और ऑक्सीजन गैस हम सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए लेते हैं. वी ब्रीथ एयर थ्रू अवर नोजेस. इट गोज डाउन अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप इन टू अवर लंग्स. अवर लंग्स आर ट्यूब large sponge bags in our chest. We can see our chest get bigger when we as we breathe in. ठीक है, हम नाक के जरिए भी सांस लेते हैं, मुंह के जरिए भी लेते हैं, और ये जब नाक से लेते हैं it goes down a tube, tube के अंदर जाती है जिसको विंड पाइप बोलते हैं. ठीक है, और हवा कहाँ जाती है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, जहां पे स्पंजी बैग्स होती है. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो भी होती है चेस्ट वो फूल जाती है. ठीक है, बिगर हो जाती है, बड़ी होती है. और लंग्स हैल्प ऑक्सीजन टू इन द एयर गेट इन टू अवर ब्लड. जो हमारे लंग्स होते हैं ऑक्सीजन को हेल्प करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जाए. द ऑक्सीजन देन गोज विद द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी. पीपल गोइंग टू प्लेसेस वेयर दे मे नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन मस्ट विद इट विद देम इन टैंक्स. ठीक है, और पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मूव करती है इसके साथ, ब्लड के साथ, और फिर वो वहां पे भी पीपल गोइंग टू प्लेसेस. जो पीपल जो लोग होते हैं कहीं दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं अपने पास ये टैंक्स के अंदर, तो अपने पास ऑक्सीजन के बैग्स रखते हैं. मोस्ट बिग एनिमल्स गेट ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स वेल, बट सम स्मॉल एनिमल्स ब्रीथ इन अवर अदर वे. ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं बड़े एनिमल्स, वो लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, और कुछ होते हैं और तरीके से लेते हैं. अर्थवर्म्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन, thin skin. Slugs and snails have large holes in their sides and insects have many tiny holes to breathe through. ठीक है, और इन सब एनिमल्स का सांस लेने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है. वाटर क्रिएचर्स हैव अदर वे ऑफ ब्रीदिंग. अ वाटर बीटल कम्स टू सर्फेस एंड पुट्स द टिप ऑफ द टेल ऑन टू द एयर. जो वाटर बीटल होता है उसका बिल्कुल डिफरेंट है, वो सर्फेस पे बाहर आता है और अपनी जो टेल है उसकी टिप बाहर निकालता है. इट देन टेक्स अ बबल ऑफ एयर अंडर द वाटर. इट ब्रीडिज द एयर इन द बबल थ्रू लिटिल ट्यूब्स इन द टेल. ठीक है, वो बबल बनाता है, लेके जाता है, उसको सांस लेता है और उसकी ट्यूब्स उसकी टेल के अंदर होती हैं. फिश गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विच इज इन द वाटर. जो फिश होती है ऑक्सीजन कहां से लेती है, पानी से, जो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है. ठीक है, अ फिश यूजेज इट्स गिल टू टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द वाटर. और फिश क्या यूज करते हैं, गिल यूज करती है ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाने के लिए. नेक्स्ट वन, यू कैन सी द एयर इन वाटर वेन वाटर इज हीटेड इन सॉस पैन एंड इट बबल्स. ठीक है, हम पानी
के अंदर भी हवा होती है. हमें कैसे पता चलता है कि पानी के अंदर हवा है? जब हम पानी को सॉस पैन के अंदर बॉइल करते हैं उसके अंदर बबल्स बनते हैं. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पैसेज को रीड आउट करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं. आवर डैश आर टू लार्ज स्पंज बैग्स इन आवर चेस्ट. चेस्ट के अंदर टू स्पंज बैग्स को क्या बोलते हैं? हार्ट, स्टमक या लंग्स? लंग्स. आवर लंग्स हैव ऑक्सीजन इन द एयर गेट इन टू अर. तो जो हमारे लंग्स हैं वो किसको हेल्प करते हैं, क्या चीज अंदर जाए? ब्लड, हार्ट, बॉडी. तो किसके अंदर जाते हैं? ब्लड के अंदर. नाउ पेज नंबर 99. अर्थ फॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर थिन. थिन किस चीज के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं? गिल्स, स्किन या होल्स? स्किन. अ फिश यूजेस इट्स डैश टू टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द वाटर. तो क्या आएगा इसका आंसर? गिल्स. द वर्ड क्रिएचर इज वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन? इट्स नाउन. फिल इन द ब्लैंक्स. वी यूज ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग. अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं. वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन द साइड्स. आंसर द क्वेश्चंस. हाउ इज ऑक्सीजन पास्ड अराउंड आवर बॉडी? ऑक्सीजन हमारे जिस्म से कैसे गुजरती है? व्हेन वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज इट गोज डाउन अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप इनटू आवर लंग्स. नंबर टू, हाउ डू स्लग्स ब्रीद? स्लग्स कैसे सांस लेते हैं? स्लग्स हैव लार्ज होल्स ऑन देयर साइड्स विच दे टेक ऑक्सीजन. नेक्स्ट वन इज हाउ डज वाटर बीटल ब्रीथ? वाटर बीटल जो ब्रीथ कैसे करती है? इट कम्स टू द सर्फेस एंड पुट्स द टिप ऑफ इट्स टेल इन टू एयर देन टेक्स अ बबल ऑफ एयर. ठीक है. नाउ यू हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100. अंडर द वाटर इट ब्रीथ्स द एयर इन द बबल थ्रू लिटल ट्यूब्स इन इट्स टेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी सी दैट देर इज एयर इन द वाटर? हम कैसे देख सकते हैं कि हवा के अंदर, पानी के अंदर हवा है? ठीक है. वी कैन सी द एयर इन द वाटर व्हेन वाटर इज सीटेड इन सॉसपैन एंड इट बबल्स. हम इस तरह से देख सकते हैं. फाइंड एनी थ्री एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इट हियर. जो एडजेक्टिव यहाँ से पैसेज के अंदर हमने उसको लिखना है, बिग, स्मॉल एंड थिन. सो हियर इज एंड ऑफ चैप्टर. जो यहाँ पे अब वीक 4 एंड 5 पे जो पेजेस नंबर मेंशन है वो आपका होमवर्क है, आपने सब करना है. और वीक नंबर 4 का जो लास्ट ब्लॉक है पेज नंबर 84, वो भी आपका होमवर्क है. नाउ स्टे होम, स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफिज़.